नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। लीबिया का यात्री विमान हाईजैक, त्रिपोली जा रहे प्लेन को डायवर्ट कर माल्टा में उतारा गया। विमान में 118 लोग हैं सवार। उत्तराखंड दौरे पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला जमकर हमला। नोटबंदी को बताया आर्थिक डकैती। भाषण के दौरान बशीर बद्र को राहुल ने किया याद। कहा, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। नए साल से कई मेट्रो स्टेशन हो जाएंगे पूरी तरह कैशलेस। स्मार्ट कार्ड या ऑनलाइन पेमेंट के जरिए ही खरीदा जा सकेगा टिकट। सरकार रेलवे स्टेशनों को भी कैशलेस करने पर कर रही है विचार। इस्तीफे पर चल रहे विवाद पर नजीब जंग ने दिया बयान। कहा, इस्तीफे के पीछे कोई राजनीति नहीं। 2014 में देना चाहता था इस्तीफा, लेकिन पीएम मोदी ने किया मना। परिवार और 95 साल की मां को देना चाहता हूं वक्त। एक्सिस बैंक के बाद अब कोटक महिंद्रा बैंक में छापा। 9 फर्जी अकाउंट में 34 करोड़ का अघोषित धन जमा। मामले में क्राइम ब्रांच ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। और एमएस धोनी और सरबजीत ऑस्कर की दावेदारी की सूची में शामिल। सूची में कुल 336 फिल्मों को मिली जगह। अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस ने ऑस्कर के लिए नामांकित बेस्ट फिल्मों की सूची तैयार की। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीपी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।